इधर ये रैंप है, रैंप में आदमी आसानी से चल के ऊपर तक जा सकता है और ऊपर से व्यूइंग गैलरी भी है। देखिए टॉप पे जो दिख रहा है खिड़की जैसा, वो व्यूइंग गैलरी है। तो ये रैंप पे ऊपर व्यूइंग गैलरी है और रैंप पे जो होता है ढलान का रास्ता वो है जाने के लिए ऊपर, और यहाँ पर एस्केलेटर इत्यादि भी लग जाएंगे जब फाइनल शेप में आएगा, तो एस्केलेटर भी रहेंगे ऊपर जाने के लिए। तो बहुत ही सुविधापूर्ण है। और देखिए इधर हम एक और भवन आपको दिखा दें, ये है राजा बलदेव दास बिरला यात्री निवास। ये धर्मशाला है, यहाँ पे लोग आके ठहरते हैं और अपने कार्यों को, जो भी काशी में उनके कार्य होते हैं, मान लीजिए दर्शन पूजन है या किसी का अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं, वो सब करके यहाँ से जाते हैं। तो ठहरने की ये सुविधा भी उपलब्ध है। और दाहिने तरफ ये था राजा बलदेव दास बिरला यात्री निवास, ये जूम किया। दोस्तों हम आपको रैंप का 4G व्यू अभी दिखा रहे हैं। ये देखिए रैंप है, सबसे ऊंचा वाला पॉइंट इसका दिख रहा है, वहाँ खिड़की नुमा बना हुआ है, वो व्यूइंग गैलरी है। वहाँ पे जो आगंतुक हैं वो जाकर माँ गंगा का और आसपास का व्यू पूरा ले सकते हैं। और नीचे देखिए ये जो है, ये यहाँ से ये घाट का लेवल समझ लीजिए यहाँ पर, यहाँ से बनना शुरू हुआ है और यहाँ पर एस्केलेटर लगेंगे जो कि लोगों को ऊपर तक पहुंचा देंगे, और जिनको चलने में दिक्कत है, सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत है, वो इस एस्केलेटर जो यहाँ लगेंगे उनका मदद लेते हुए उन पर एस्केलेटर पे जाकर ये ऊपर तक जा सकते हैं। तो हम और नज़दीक चलते हैं। देखिए बड़ा रिस्की है ये पूरा, ये देखिए मटेरियल कंस्ट्रक्शन का पड़ा हुआ है और सिर्फ आपके लिए हम जो है ये प्रयास करने में लगे हुए हैं कि आपको लाइव रिपोर्ट दें धाम की, क्या क्या बन रहा है। और देखिए हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए हमको ये जो पानी का ढेर है इसको क्रॉस करना पड़ रहा है। ये ब्रिज बना है, देखिए ये ब्रिज पर हमारा पैर आया, एक पैर और ये दूसरा पैर, और हम इस ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं आपको रैंप दिखाने के लिए। ये रैंप के अंदर हम आ गए, तो ये देखिए एस्केलेटर यहाँ लगेगा, तो ये इस तरह से चलेगा। यहाँ से मैं जा रहा हूँ यहाँ तक, एक एस्केलेटर आएगा, ये देखिए ये, यहाँ अभी काम चल ही रहा है एस्केलेटर के लिए, जो बेस है वो बनाया जा रहा है, मजबूत बेस लोहे की सरिया लगा के। तो ये जो है ये आपका बेस हो गया, यहाँ तक हम आ गए हैं, ये देखिए पूरा यहाँ तक एक एस्केलेटर हो गया। फिर ये राइट में से घूम के ये ऊपर जाएगा, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, ये तो यहाँ तक हम पहुँच गए लैंड तक, फिर राइट घूमेंगे, ऐसे राइट घूमे और यहाँ से दूसरा एस्केलेटर ये ऐसे ऊपर आएगा, थोड़ा ऊपर ले गया वहाँ तक जाएगा और फिर ये टर्न होगा, फिर ऐसे ऊपर घूम के एस्केलेटर यहाँ, तो करते करते ऊपर देखिए वहाँ पर ओपनिंग है, वहाँ पर यात्रियों को ये उतार दिया जाएगा और फिर वो धाम में प्रवेश कर सकेंगे, कॉरिडोर में प्रवेश कर सकेंगे। तो ये है आपका, और ये देखिए ऊपर जो सीलिंग है इसके ऊपर व्यूइंग गैलरी है, जो मैंने खिड़की दिखाई थी वो इसके जस्ट ऊपर है, ये सीलिंग है इसका रैंप का, और इसके ऊपर जो है वो व्यूइंग गैलरी का खिड़की है। तो ये हो गया, और ये बाहर का रास्ता है, तो अब हम बाहर चलते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, अंत तक देखिए पूरी जानकारी के लिए, और अपडेट रहिए। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए, और चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये बड़ी अच्छी जानकारी आपके लिए हासिल है यहाँ पर, ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें वीडियो को अपने सभी जानने वालों के साथ, जो भी माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं उसको करिए। और ये देखिए ये हम फिर इस ब्रिज पर, जो टेम्प्रेरी ब्रिज बना हुआ है हमारा, ये पानी का जो ढेर है इसको क्रॉस करने के लिए हम इस पर चल रहे हैं। ये देखिए ये 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 हम बाहर आ गए, और हमारे एक और मित्र जो है ब्लॉगर यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों हर हर महादेव, आपका दिन शुभ हो। हम इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं और इसके साथ हम और जानकारी आपको देने वाले हैं, बने रहिए चैनल पर, बने रहिए। दोस्तों रैंप का जो दृश्य हमने आपको दिखाया
उसके बारे में बताना चाहेंगे। ये रैंप ऐसे स्थान पर, ऐसे कोण पर बनाया गया है जहाँ पर खड़े होने पर माँ गंगा का अर्धचंद्र का रूप साफ साफ दिखाई देता है। तो रैंप के ऊपर जो व्यूइंग गैलरी है, वहाँ से आप माँ गंगा का दर्शन जब करेंगे तो आपको माँ गंगा का अर्धचंद्र का रूप एकदम साफ साफ दिखाई देगा। बड़े ही अच्छे तरीके से, सुनियोजित तरीके से ये रैंप और व्यूइंग गैलरी बनाई गई है। और यहाँ पर जो जलासेन घाट है, उसका नाम जलासेन घाट इसलिए है क्योंकि सबसे पहले बाढ़ आने पर यही घाट डूबता था, जलमग्न होता था, तो इसलिए इसका नाम हो गया जलासेन घाट। और यह भी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर माँ गंगा से बाबा धाम मंदिर की दूरी करीब 400 मीटर है और यहाँ से करीब 82 सीढ़ियाँ हैं जो कॉरिडोर के द्वार तक जाने के लिए चढ़नी पड़ती हैं। और इसके अलावा कुछ अन्य आंकड़े हैं जो आपको इस वीडियो के अंत में देंगे। ये देखिए अलकनंदा क्रूज़ है दोस्तों, बनारस में जो गंगा में चलता है अलकनंदा क्रूज़, ये आपका अस्सी घाट से राजघाट के बीच में बहुत अच्छा व्यू देता है गंगा का। और इसमें टिकट रहता है, टिकट पहले से बुक करना पड़ता है। हाँ, इधर देखिए मणिकर्णिका में जो है ये डेड बॉडी गंगा स्नान पहले इसको कराएंगे, ले आ रहे हैं। और उधर आपका अलकनंदा चला जा रहा है, राजघाट पुल आपको दूर पर दिखाई दे रहा है, तो पुल के पास जो राजघाट है वहाँ तक ही जाएगा क्रूज। और जैसा मैं बता रहा था, इस पर टिकट है और टिकट लेके आप इस पर बैठ सकते हैं। और इसमें टिकट के साथ साथ नाश्ता वगैरह भी देते हैं ये लोग। और तीन क्रूज चलता है दिन भर में। और ये देखिए ये बॉडी को जो है ये गंगा का स्पर्श कराएंगे, स्नान कराएंगे, उसके बाद दाह संस्कार हेतु ले जाएंगे। तो ये है जीवन का यथार्थ सत्य, हम ना कुछ लेकर आए हैं ना कुछ लेकर जाएंगे, और ऐसे ही खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। इसलिए सबके साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे तरह से रहें, और जब तक रहें तब का भला करें। ये देखिए अलकनंदा भी उधर चला जा रहा है क्रूज, और ये छोटी नावें भी जा रही हैं। देखिए पीछे पीछे अलकनंदा के पीछे ये छोटी नाव, ये भी डीजल ऑपरेटेड लग रही है या सीएनजी होगी। यहाँ पे गंगा में एक चीज़ और हो रही है, सभी नावें सीएनजी ऑपरेटेड हो रही हैं। खिड़किया घाट पर सीएनजी स्टेशन नावों के लिए बना है, तो सीएनजी ऑपरेटेड है और या मैनुअल ऑपरेटेड है। जैसे ये पीछे देखिए मैनुअल ऑपरेटेड, ये पतवार के सहारे चला रहा है। और एक ये पीछे आ रही है, ये भी सीएनजी ऑपरेटेड है, ये इसको स्पॉन्सर किया है डीसीबी बैंक ने। और पीछे बहुत सारी नावें हैं, देख सकते हैं आप। ये गंगा का विशाल एक्सपेंस और ये घाट के किनारे बनारस की छटा, सब घाट हैं यहाँ देखिए किनारे किनारे, बहुत ही सुंदर दृश्य है। दोस्तों वीडियो के अंत में आपसे फिर अनुरोध है कि मेरे चैनल शेखर्स एजुकेशन एंड ट्रैवल ब्लॉग्स को सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हम बड़ी मेहनत से बना रहे हैं और आपका समर्थन हमारे उत्साह को बढ़ाएगा, हमें और अच्छे ब्लॉग बनाकर आपको देने के लिए उत्साहित करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने पर जो घंटी के आकार का बटन आता है उसको दबाएं ऑल नोटिफिकेशंस के लिए। मेरे वीडियोस को देखिए, अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करिए और उन पर कमेंट भी करिए, शेयर करिए, और नए वीडियो को आपका समर्थन ज़रूर मिलना चाहिए जिससे हम अपनी गतिविधि को अब अच्छे तरीके से उत्साह के साथ बढ़ाते रहें और सबके सामने अच्छी अच्छी जानकारी लाते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आपको अंत में कुछ आंकड़े देता हूं, उसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूंगा। आपके लाइक कमेंट शेयर का इंतज़ार रहेगा। तो आंकड़ों में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि धाम में चुनार का गुलाबी पत्थर बहुतायत में इस्तेमाल हुआ है, बहुत ही सुंदर छटा बिखेरता है ये। और धाम की सुरक्षा के लिए 5.43 करोड़ रुपए की लागत से हाई टेक सिक्योरिटी जोन बनाया गया है जिसका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है और वहाँ से पूरी सुरक्षा का नियंत्रण किया जाएगा। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि 339 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर लगभग 300 भवनों का अधिग्रहण किया गया पूरे धाम को बड़ा बनाने के लिए। और
इसका जो क्षेत्रफल है धाम का वो 5.3 लाख वर्ग फुट है, तो बहुत बड़ा क्षेत्रफल इसका उभर कर सामने आया है। सभी भवनों को हटाया गया और नए नए मंदिर सामने आए हैं, वो अंदर दिखते हैं। और अंदर आदि शंकराचार्य और महारानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमाएं भी लगी हैं, वो भी जब आप गंगा द्वार से काशी विश्वनाथ मंदिर स्वर्ण जड़ित शिखर जिसका दिखता है वहाँ जाते हैं तो ये प्रतिमाएं भी आपको रास्ते में दिखेंगी और कई मंदिर भी दिखेंगे। और उनको देखते हुए आप पहुँचेंगे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, जो कि एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है, और उसका दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये सब आंकड़े देते हुए मैं आपको अलविदा बोलता हूँ। अगले ब्लॉग में फिर आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्ते, फिर मिलेंगे।